हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। आज के वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें एक एक्यूज्ड को समनिंग ऑर्डर के खिलाफ यानी कि सेशन कोर्ट में जो समनिंग ऑर्डर है उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिविजन फाइल किया था, उसी पे एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है जिसमें उस पर्सन का जो कि समनिंग उस जिस पे समन किया गया था उस समनिंग ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, वो आज का एक इम्पोर्टेंट वीडियो आज के हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि धारा 498 ए, 304 बी और आईपीसी की धारा 310 के तहत है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार रहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे वीडियो को आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, ये पूरा मामला क्या था, जो ये घटना थी, ये यानी कि जो एक व्यक्ति द्वारा एक 2014 में एक एफआईआर कराई जाती है कि उसकी जो सिस्टर है उसने उसकी सिस्टर की जो शादी 2012 में एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कराई थी, जिसमें उसने अपने हैसियत के आधार पर जो भी उसकी हैसियत में था उसके आधार पर उसने शादी के समय दहेज कि जो भी था उसमें उसके पति उसके ससुराल वालों को दिया, जैसे कि फ्रिज कूलर टीवी जो भी उसकी हैसियत के आधार पर उसने उस शादी के समय खर्च किया। शादी के दो साल बाद यानी कि 2014 में उसके उसके जो सिस्टर थे उसके पति उसके सास और उसके नंद उसको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, उसको मारते थे पीटते थे और मेंटली उसको टॉर्चर करते थे। एक दिन उसके भाई के पास एक फोन आता है कि उसकी जो सिस्टर है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। जब भाई को यह बात पता चलती है तो वो उस स्थान पर यानी कि जहां उसकी सिस्टर उसके घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी जो सिस्टर है पूरी तरह जल चुकी है। उसके बाद वह इसकी एक एफआईआर उसके पति के खिलाफ, उसकी माँ यानी कि सास के खिलाफ और उसके नंद के खिलाफ दर्ज कराता है, जो कि धारा 498 ए, 304 बी और साथ ही साथ आईपीसी की धारा 302। फिर जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो उसके बाद एक और पर्सन का नाम लाइट में आता है, जो कि जो उसकी जो नंद है उसका हस्बैंड का नाम, जिसमें उसको 302 यानी कि उसकी जो सिस्टर है उसकी हत्या का आरोप लगता है। फिर उसके बाद जब एफआईआर दर्ज होती है तो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट सबमिट की जाती है, उसके बाद उसके पति उसके सास और उसके नंद के खिलाफ चार्जशीट सबमिट होती है। जब सीआरपीसी की धारा 161 में जब उसका स्टेटमेंट यानी कि प्रोसिक्यूशन द्वारा जो भी विटनेसेस कोर्ट के समय प्रस्तुत किए जाते हैं उसी में उनका जब एग्जामिनेशन चीफ होता है तो वो लोग वही बात को दोहराते हैं, यानी कि 161 के जो स्टेटमेंट में जो एफआईआर में था। जब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तब उस पर्सन का नाम आता है यानी कि उसके नंदोई का नाम आता है कि उसने उसकी सिस्टर यानी कि जो सिस्टर है और जिसने कंप्लेन किया था उसका उसका नंदोई के साथ अवैध संबंध है। तो इस चलते जो उसके सिस्टर थी यानी कि उसके पति की जो बहन थी और उसके सास ने मिलकर बताया कि ये उसको मानसिक और शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित करते थे, जिससे कि उसकी सिस्टर की डेथ हो गई है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन होता है लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन उससे पहले क्या नाम जो मजिस्ट्रेट में यानी सेक्शन 319 में जो प्रीवियस रिकॉर्ड का जो स्टेटमेंट होता है जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन जिसमें उसका नाम आता है उसको भी तलब कर लेता है। तो उसी ऑर्डर उसी समनिंग ऑर्डर के खिलाफ जो उस पर्सन यानी कि वो जो अक्यूज्ड होता है वो क्रिमिनल डिवीजन एक फाइल करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पे कुछ बिंदुओं पे डिस्कस होता है। वो बिंदु क्या थे वो हम जानते हैं। जब जब डिस्कशन होता है तो जो जो रिविजनिस्ट है उसकी तरफ से जो विद्वान अधिवक्ता वो ये बात रखते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन ने जितने भी विटनेसेस को बुलाया उनके जो भी स्टेटमेंट थे वो सब एफआईआर को ही रिपीट कर रहे थे और जो रिविजनिस्ट का नाम उस एफआईआर में नहीं है। दूसरी चीज जो रिविजनिस्ट का जो नाम साथ ही साथ उसके खिलाफ ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं उस है जिसके आधार पर उसको तलब यानी कि जो समन भेजा गया। इन सब बातों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
उसको एनालाइज किया और साथ ही साथ जो कि सेशन कोड द्वारा जिसपे वो समन भेजा गया था उस समनी ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो इस तरह का जो एक इम्पोर्टेंट जजमेंट वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ देखा आपने कि इस जजमेंट से आपको कितना ज्यादा एक लाभदायक होगा, क्योंकि इस जजमेंट से आप अपने केस को अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।